अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपके ख़िदमत में हाज़िर हुआ हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक और नाम है पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करते हैं, सिंपल और आसान तरीका। नाज़रीन, ये पीवीसी में आएगा आधार कार्ड जो अभी अभी नया लॉन्च हुआ है, तो आप उसका ऑर्डर ऑनलाइन कैसे करते हैं और कितना पेमेंट करना होगा और किस तरह करना होगा, तमाम डिटेल उसमें मौजूद है इस वीडियो में। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो को देखें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नाज़रीन शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे, सबसे पहले और वहाँ आपको टाइप करना है UIDAI करना है, और उसके बाद जो वेबसाइट आपको सामने दिख रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। यह क्रोम ब्राउज़र खुलेगा, उसके बाद आपको थोड़ा ऊपर करना है स्क्रीन को और ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पहले खाने में जो आधार नंबर लिखा है वहाँ आपका आधार नंबर सेट करना है। जो आधार गुम हो गया है, जो आधार कार्ड आपका खो गया है या ख़राब हो गया है या नया मंगवाना है, और नीचे जो कोड लिखा हुआ है कैप्चा वो फिल करना है, जैसा है वैसा ही फिल करना है। ये दो तीन बार जल्दी फील होता नहीं क्योंकि सेम लगाना होता है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम होती है। अब लिखा है माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो कोई दूसरा यहाँ मोबाइल नंबर सेट करें जो आपके पास मोबाइल में हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, और उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। देखा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर से मैं कैप्चा डालता हूँ, गलत कैप्चा है, प्लीज़ एंटर वैलिड कैप्चा। तो फिर से मैं कैप्चा डाल देता हूँ सही तरीके से, YT r small p, कैपिटल है या स्मॉल है वो अभी पता चलेगा। मैंने कैपिटल लगाया है, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर जो अपने मोबाइल में हो वो यहाँ दाखिल करना है, सेट करना है। सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है, लेकिन अभी भी गलत आ रहा है। अब ये सही आ जाएगा, उसको हटाना है और M कैपिटल, Q कैपिटल, T small, F कैपिटल, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो अभी फ़िलहाल आपके मोबाइल में हो, ताकि उस पर OTP आएगा। तो लगा दिया, मैंने लगा रहा हूँ, और उसके बाद आपको नीचे जो सेंड OTP है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप तो एक OTP आएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए OTP लाने के लिए। अब अभी भी मोबाइल नंबर बता रहा है, लेकिन फिर भी OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ OTP अपना सेट करूँगा जो मोबाइल में आ चुका है। अब जो OTP आया हुआ है वो OTP मैंने सेट कर लिया है, और उसके बाद टर्म कंडीशन को लिख और उसके बाद सबमिट कर ले। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आप पे सामने ऑप्शन खुलेगा मेक पेमेंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद बहुत तीन ऑप्शन हैं, आप UPI में जाइए, और यहाँ जाने के बाद गूगल में जाइए, किसी में जाइए, मैं गूगल यूज़ करता हूँ, तो उस पर जाकर अपने UPI ID सेट कर ले और वेरीफाई कर ले। उसके बाद नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है,
आपके मैसेज में या गूगल की तरफ से एक लिंक आएगी, यानी गूगल को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ, जो दिख नहीं रहा है वो इसलिए कि गूगल ओपन हो गया और ये मेरा पेमेंट हो चुका है। गूगल ओपन करने के बाद आपको पे कर देना है और पे करके पैसे जो 50 रुपये आपके कटेंगे वो आपको फिल कर देना है, और 50 जैसे कटेंगे उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। देखिए ये 50 रुपये कट चुके हैं और मैसेज भी आ गया बैंक की तरफ से कि 50 रुपये आपके कट गए। उसके बाद फिर से हम वापस चलते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, उसकी स्क्रीनशॉट कर लें आप, क्योंकि डाउनलोडिंग करेंगे तो फ़िलहाल डाउनलोडिंग नहीं होता। तो नाज़रीन इतना काफ़ी है आज के लिए, नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अस्सलामुअलैकुम।